ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को। आईपीएस की टोपी लगाए, आईपीएस की वर्दी पहने खड़ा ये व्यक्ति कौन है? ये एक फर्जी आईपीएस अधिकारी है जो अपने आप को आईपीएस बताकर बिहार में घूम रहा था। बिहार पुलिस ने इसे अपने हिरासत में ले लिया है। हालांकि जब बिहार पुलिस ने इनसे पूछा कि आपने यूपीएससी कब दिया, तब इन्होंने कहा कि मैंने यूपीएससी दिया ही नहीं। ये बिना यूपीएससी दिए आज आईपीएस बन बिहार में घूम रहा है। और आपको बता दें, बिहार में घूमते हुए इन्होंने कितने पैसे ऐंठे अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर ये फर्जी अधिकारी बनकर बिहार में घूम रहा था। हालांकि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है। और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां पे इस व्यक्ति को आप देख पा रहे होंगे जो पूरा पुलिस का ड्रेस कोड मेंटेन किया है, आईपीएस की टोपी लगाई है, आईपीएस की वर्दी पहनी है, मगर ये फर्जी अधिकारी हमारे देश के पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर क्या कर रहे थे अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इनका फर्जी आईपीएस बनने का पीछे कारण क्या है अभी तक इसकी भी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई गैर कानूनी काम में साथ दे रहे हो या फिर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हो। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये क्यों फर्जी अधिकारी बने, मगर ये फर्जी अधिकारी ही है जो हमारे देश के लोगों को धोखा दे रहा है, हमारे देश के यूपीएससी पढ़ रहे बच्चों को धोखा दे रहा है और हमारे देश के संविधान को धोखा देकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर मार्केट में घूम रहा है। यह हमारे देश के लिए एक भयानक संकेत है। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, पिता का नाम? घर कहाँ है? कौन सा थाना है? हलसी। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिले? खैरा में। खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम। क्या बोला? कि 2 लाख रुपया दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ दे दिया। कब? 1 महीना हो गया, 4 तारीख। 1 महीना पहले? 1 महीना पहले 4 तारीख को। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? खैरा में दिया था। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है, वहाँ सरकारी स्कूल है, वहीं पर। वहीं पर ये वर्दी पहना दिया। उसके बाद फिर यहाँ कैसे, वहाँ से खैरा सिकंदरा कैसे पहुँचे? जिससे बोला कि तुम चल जाओ घर, हम चलेंगे, चलाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ इधर जा रहा हूँ। तो वहाँ से घर चला गया था? हाँ। तो फिर घर से सिकंदरा कैसे आया? वही बुलाया था, 30,000 फैन मांगा था। अच्छा, तो वही सिकंदरा फिर बुलाया था? मैंने सिकंदरा से बोला निकलो आओ 30,000 लेकर। कितना पैसा तुमसे लिया है? 2 लाख रुपए ले लिया, अभी और 30,000 मांग रहा हूँ। 30,000 और मांगा। कहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था? खैरा स्कूल है ना, वहीं पर बुलाया। तो अभी फिर पैसा लेकर जा रहे थे तुम खैरा स्कूल? नहीं, पैसा जैसे बोला अभी बात कर लो, उसके बाद पैसा लेगा ना, हम वहीं पर बोले तो जुगाड़ कर लेंगे। गोवर्धन। नाम क्या है? आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए? मनोज सिंह। कहाँ के है मनोज? कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया? 2 लाख रुपए। आईपीएस बनने के लिए? हाँ। कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को, 4 तारीख। 4 तारीख को बनाया है। अभी कहाँ घूम रहा था? वर्दी वही बुलाया था। वर्दी पहन के अभी कहाँ कहाँ जा रहा था? नहीं, वही बोला पहन के आती। अच्छा, वही बोला। पिस्टल दिखाओ। पिस्टल? पिस्टल वही दिया, हमको पता भी नहीं जान सकता। वही दिया।